Hello everyone, welcome to the video lecture series of Mathematics 4. The subject code is KAS302/KAS402. And here we are in lecture number 8 of unit number 5. So in the previous lecture, we have finished the ANOVA technique. ANOVA kya hai, kahan use ki jati hai aur kya process hai, and it is very very important as the question will absolutely come in your examination. Right? Now, इस यूनिट का एक लास्ट पार्ट जो हमारा बचा है दैट इज स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल. जी हाँ, क्या चीज होती है क्वालिटी कंट्रोल एंड हाउ विल यू ऑब्टेन द क्वालिटी कंट्रोल बाय द स्टैट्स मेथड, जिसे हम यहाँ पे बोलेंगे एक्स बार चार्ट, आर चार्ट. तो क्या है ये चार्ट, किस तरह से हम अपना क्वालिटी कंट्रोल अचीव करते हैं, ये सब जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, एक्स बार चार्ट एंड आर चार्ट. सो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, अब अगर मैं वर्ड बोलूं सिंपली क्वालिटी कंट्रोल, तो क्या मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल का. सो क्वालिटी कंट्रोल की अगर हम बात करें तो एक ऐसा सिस्टम जो कि परफॉर्म करता है इंस्पेक्शन करें, राइट, टेस्टिंग करें, एनालिसिस करें, किस चीज को ये क्यों कर रहे हैं, टू एंश्योर दैट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इज एज पर द क्वालिटी स्टैंडर्ड. राइट, क्वालिटी कंट्रोल हर एक बिजनेस के अंदर होता है. अगर मैं एक सिंपल शॉपकीपर की बात करूं और एक मिठाई की दुकान की बात करूं, तो मिठाई की दुकान में भी आप जो स्वीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मिठाइयां बन रही हैं, उसकी भी क्वालिटी को अगर आप इंश्योर नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं करेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे, तो आप अपने स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाएंगे. राइट, अब अगर यही क्वालिटी कंट्रोल हम बोलें कि हम स्टैट्स मेथड का यूज करके कर रहे हैं, सम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आर अप्लाइड टू परफॉर्म दिस क्वालिटी कंट्रोल या टू अचीव दिस क्वालिटी कंट्रोल, देन इट इज कॉल्ड अ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल. अब अगर स्टैट्स मेथड यूज हो रहे हैं या अगर हम क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं, तो इससे मेरा क्या बेनिफिट है. सपोज, ये तो मैंने भी आपको स्वीट्स का एग्जांपल लिया था. सपोज मैं कहता हूं कि मुझे कोई प्रोडक्ट ही बनाना है. सपोज आई वॉन्ट टू मेक अ रिंग. अब इस रिंग के लिए मुझे रॉ प्रोडक्ट भी चाहिए, रॉ मटेरियल भी चाहिए. सो अगर ये रिंग का एक पर्टिकुलर डायमीटर है और ये उस डायमीटर के बाहर बननी प्रोड्यूस हो जाएगी, सो दैट मींस क्या होगा, दैट पार्ट विल बी रिजेक्टेड. अगर ये रिजेक्ट हुआ, सो दैट बिकम्स माय फॉल्ट. राइट, और अगर मेरे नंबर ऑफ फॉल्ट बढ़ने लगे, तो यानी हमारी क्वालिटी, हमारा नाम सब खत्म हो जाएगा. राइट, तो इसलिए अगर हम क्वालिटी कंट्रोल अप्लाई करते हैं, तो एक तो क्या होगा, ये हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो एरर फ्री जनरेट होगा. Got it? हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई, हमारा क्वालिटी इंप्रूव हो गई, हम इजीली फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं. अगर सम मेजर इज ऑलरेडी देयर, कि अगर आपने ये प्रोडक्ट बनाया और मैं इसे मेजर कर रहा हूं कि हाँ ये मेजर है, ये मेजरेबल सही आ रहा है, दैट मींस इट्स ओके, अदरवाइज हम इसे रिजेक्ट कर देंगे. तो हमारा फॉल्ट डिटेक्शन ईजी हो जाता है और हमारा जो स्क्रैप होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, उसका यूसेज भी और एक्यूरेट होता है. तो ये सारी की सारी एडवांटेज होती हैं अगर हमारा जो सिस्टम है उसकी क्वालिटी को हम चेक करें, दैट इज अंडर क्वालिटी. सो इन शॉर्ट, इस टॉपिक का जो मतलब है वो यही है कि आप किस तरह से अपने सिस्टम में क्वालिटी को मेंटेन करते हैं, क्वालिटी अचीव करते हैं. एंड दैट क्वालिटी अगर हम स्टैट्स मेथड का यूज करके कर रहे हैं, कौन से स्टैट्स मेथड जो हमें यहाँ पे यूज करना है, दैट इज नथिंग बट द कंट्रोल चार्ट. राइट, अब यहां पे भी मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूं सो दैट आप लोग आगे और कंफर्टेबल हो जाएंगे. सो कंट्रोल चार्ट क्या है, यहाँ पे कंट्रोल चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन. Right? एक सिंपल सी बात बताऊं, मैंने यहां पे एक चार्ट रिप्रेजेंट कर दिया. इस चार्ट में ये एक लाइन है, दिस लाइन इज बेसिकली कॉल्ड द सेंट्रल लिमिट. ठीक है, सेंट्रल लाइन. गॉट इट, इस लाइन के नीचे एक लाइन मार्क की जाती है जिसे हम बोलते हैं लोअर कंट्रोल लिमिट, और एक होती है इसके ऊपर मार्क, दिस इज कॉल्ड द अपर कंट्रोल लिमिट. अब आपने जो प्रोडक्ट बनाया, अगर उस प्रोडक्ट की वैल्यू इस अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच में कहीं लाई कर रही है, राइट, बीच में कहीं लाई कर रही, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा प्रोसेस जो है वो क्वालिटी मेंटेन कर रहा है. बट मेरा एक्चुअल क्या होगा, मैं कहां चाहूंगा कि मेरा प्रोडक्ट अचीव होना चाहिए, ऑन दिस सेंट्रल लाइन. सारी की सारी स्पेसिफिकेशन कहां होनी चाहिए, इस सेंट्रल लाइन के ऊपर आपका प्रोडक्ट अगर आ रहा है, दैट मींस यू हैव अ वंडरफुल मेंटेनिंग ऑफ क्वालिटी. बट अगर आपका प्रोडक्ट वैल्यू, सपोज ये फॉर एन एग्जाम्पल ले लेता हूँ डायमीटर के रेस्पेक्ट में, सपोज ये 5 mm का डायमीटर है जो सेंट्रल लाइन पे है, बट अपर क्वालिटी का अपर कंट्रोल लिमिट क्या कहती है, 7 mm, और लोअर कंट्रोल लिमिट क्या कहती है, 4 mm. गॉट इट, सो अगर 4 और 7 के बीच में आपका डायमीटर जा रहा है तो एक्सेप्टेबल तो है, बट सबसे एक्यूरेट कौन है, जो कि सेंट्रल लाइन पे लाई करने वाला है. Got it? So this is the concept of control chart, कि हम अपने information को, जो हमने product बनाया उसकी specification को अगर मैं graphical form में represent कर दूं, तो उस graphical form से मैं clearly बता सकता हूं कि कहां पे मेरा product fail हो रहा है या मेरा product हमारे control limits के
in between आ रहा है. Got it? So that's why it's said that it detects the variation in processing and warns if there is any departure from the specified tolerance limit. तो ये जो मैंने अभी आपको concept बताया control limits का, these are called the tolerance limit. Right? अब different types of control chart जो हमें यहाँ पे study करने हैं वो कौन कौन से हमारे syllabus में, control chart for variable जिन्हें हम यहाँ पे बोलते हैं x bar and r chart, and control chart for attribute that is p, np and c chart. तो ये चीज हम देखेंगे अपने next lecture में. इस lecture में हम लोग बात करने वाले हैं x bar chart and r chart की. और अगर इन चार्ट्स को एक शॉर्ट वे में बताऊं तो इन सभी चार्ट में मेनली आपको यही कैलकुलेशन करनी है कि वेयर इज द सेंट्रल लाइन, वेयर इज द लोअर कंट्रोल लिमिट, वेयर इज द अपर कंट्रोल लिमिट, जिससे कि हम अपनी वैल्यूज को टेस्ट कर सकते हैं कि आइदर दे आर इन कंट्रोल और आउट ऑफ द कंट्रोल. सो फॉर्मूला केवल चेंज होंगे, प्रोसेस बदलेगा. प्रोसेस तो लगभग एक ही है, बट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट सेम होगा, बट यहां पे फॉर्मूलाज आपके बदलने वाले हैं इन एवरी चार्ट. राइट right? तो जैसे कि सबसे पहले अगर मैं एक्स बार चार्ट की बात करूं तो दीज आर द फॉर्मूला जो आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं. एक्स बार चार्ट का मतलब सेंट्रल लाइन इज कैलकुलेटेड बाय एक्स डबल बार, दैट मींस व्हेन टॉलरेंस लिमिट्स आर नॉट गिवन एंड इट इज इक्वल टू म्यू व्हेन द टॉलरेंस लिमिट्स आर गिवन. तो अभी क्वेश्चन में आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि टॉलरेंस लिमिट जब गिवन नहीं है और या गिवन है तो उस केस में किस तरह से हम अपनी सेंट्रल लाइन को कैलकुलेट करते हैं. Now, where mu is calculated by half of lower control limit plus upper control limit, where LCL यानी lower control limit को कैसे calculate करूंगा, that is x double bar minus a2 r bar, and upper control limit is calculated by x double bar plus a2 r bar. तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे formula is the main thing. तो formula आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे. Stats के अंदर main बहुत ही important होते हैं formulas. अगर आपको formulas याद हैं तभी आप further calculation perform कर सकते हैं. Right, and what is a2 over here? This a2 is a constant and it will always given in the question that depends on the sample size. So, ये आपको question value mention मिलेगी, हम उससे calculate कर लेंगे. Right? Similarly, अगर मैं r chart की बात करूँ तो what is the central line in case of r chart? That is simply r bar. Lower control line calculate करेंगे d3 into r bar से, upper control line calculate होती है d4 into r bar से, where d3 and d4 are again constant जिनकी value हमें question में given मिलती है, depends on the sample size. और एक और फॉर्मूला मैंने यहीं पे लिखा है, अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दे प्रोसेस कैपेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए, प्रोसेस की क्या कैपेबिलिटी है, तो दैट इज कैलकुलेटेड बाय 6 सिग्मा, वेयर सिग्मा इज आर बार डिवाइडेड बाय स्मॉल डी टू. तो अगेन डी टू इज अ कॉन्स्टेंट एंड आर बार तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर ही रहे हैं, वो भी आप क्वेश्चन में देखेंगे क्या चीज है, एंड सिग्मा इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन. राइट, सो कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली कंट्रोल चार्ट बना रहे हैं जिसके अंदर मुझे एक सेंट्रल लाइन चाहिए, एक अपर कंट्रोल लिमिट चाहिए, एक लोअर कंट्रोल लिमिट चाहिए, और इनको कैलकुलेट करने के लिए हर एक चार्ट में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला है, जैसे एक्स बार चार्ट में क्या है और आर चार्ट में क्या है. राइट, अब एक क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, वहीं से आप लोग एकदम क्लियर कट समझ जाएंगे व्हाट इज द एम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंट्रोल चार्ट. तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन, और ये कहता है द फॉलोइंग आर द मीन लेंथ एंड रेंजेस ऑफ लेंथ ऑफ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट. राइट, ये यहां पे मीन लेंथ दी गई है और ये रेंजेस दी गई है, दैट इज रेंज वैल्यू, दैट इज मीन वैल्यू ऑफ अ फिनिश्ड प्रोडक्ट From 10 samples each of size 5. ये आपके 10 samples हैं, these are samples, और हर एक sample में कितने item हैं? 5 item हैं, तो उन 5 item का क्या mean है, वो यहाँ पे लिखा है, और उन 5 item की range क्या है, वो दी गई है. Got it? उसके बाद लिखता है, the specification limits for length are 200 plus minus 5 centimeter, तो this is your specification limit. Right? Construct X bar and R chart and examine whether the process is under control and state your recommendation. और जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन में आपको कुछ कांस्टेंट गिवन होते हैं, वो क्या है कि n is equal to 5 के लिए a2 दिया है, d4 दिया है, d3 दिया है, all these constants are given always in your question. राइट, अब अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्स बार चार्ट की बात करता हूं, हमें सबसे पहले एक्स बार चार्ट बनाना है. तो एक्स बार चार्ट में था सेंट्रल लाइन इज इक्वल टू एक्स डबल बार व्हेन स्पेसिफिकेशन लिमिट आर नॉट गिवन, व्हेन टॉलरेंस लिमिट आर नॉट गिवन, एंड व्हेन द स्पेसिफिकेशन लिमिट्स आर गिवन यानी टॉलरेंस लिमिट आर गिवन, देन इट इज इक्वल टू म्यू. राइट, सो अब इस क्वेश्चन में क्या मुझे लिमिट दी गई? जी हाँ, मुझे लिमिट दी गई है, द टॉलरेंस लिमिट फॉर द लेंथ इज 200 प्लस माइनस 5. तो ये जो 200 है, दिस इज नथिंग बट योर सेंट्रल लाइन यानी कि म्यू, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 200. राइट, जब हमें ये लिमिट नहीं दी जाती तो फिर हम कैलकुलेट करते एक्स डबल बार कैसे, इन सभी ये जो वैल्यूज दी गई इनका मैं वापस मीन कैलकुलेट करता, यानी एक्स बार का मीन वापस कैलकुलेट करते तो क्या हो जाता, एक्स डबल बार.
बट इस केस में अभी हमें स्पेसिफिकेशन लिमिट टॉलरेंस लिमिट गिवन है, तो व्हाट इज अवर सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन इज इक्वल टू म्यू डैट इज इक्वल टू 200. एंड वंस आई नो द सेंट्रल लाइन आई कैन कैलकुलेट द लोअर कंट्रोल लिमिट द अपर कंट्रोल लिमिट बाय द फॉर्मूला. लोअर कंट्रोल लिमिट कहता है म्यू माइनस ए टू इंटू आर बार एंड अपर कंट्रोल लिमिट कहता है म्यू प्लस ए टू इंटू आर बार. तो म्यू क्या हो गया डैट इज 200 प्लस ए टू क्या है ए टू मेरे पास 0.58 है बट वॉट इज आर बार. तो आर बार कहां से आएगा ये जो रेंज वैल्यू दी गई है आर बार क्या हो जाएगा इसका मीन. तो इसका मीन कैसे कैलकुलेट करूं 5 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइड बाय 10 राइट यही तो होता है ना मीन. तो दैट मींस वी कैन कैलकुलेट द आर बार विद दिस फॉर्मूला. ऐड कीजिए डिवाइड बाय 10 कीजिए आई गॉट आर बार दैट इज 4.6. सो आई कैन कैलकुलेट अपर कंट्रोल लिमिट आई कैन कैलकुलेट लोअर कंट्रोल लिमिट 200 प्लस दैट इज 4.6 इंटू 0.58 यानी ए टू इंटू आर बार और ये हो जाएगा माइनस ए टू इंटू आर बार. तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई दैट इज अपर कंट्रोल लिमिट. तो अगर हम एक चार्ट प्रोड्यूस करें राइट तो सेंट्रल लाइन कहाँ है सेंट्रल लाइन सपोज ये 200 इसके ऊपर अपर कंट्रोल लिमिट है जो कि आपकी 202.67 पे है और इसके नीचे एक लोअर कंट्रोल लिमिट है जो कि 197 पे है. करेक्ट. अब आप क्वेश्चन में देखिए आपकी वैल्यूज कहाँ गिवन है. जो 10 सैंपल में पहला सैंपल कहाँ है 201 यानी 201 कहाँ लाई करेगा. अगर हम फर्स्ट सैंपल को देखें तो फर्स्ट सैंपल का 201 कहीं इन दोनों के बीच में लाई करने वाला है. सेम सेकंड सैंपल है 198 तो 198 कहाँ लाई करेगा 197 के ऊपर. देन थर्ड सैंपल 202 तो दैट इज 202 202.67 ऊपर है लाइन. देन 200 तो 200 ऑन द सेंट्रल लाइन आ गया. देन 203 204 तो 203 204 राइट दिस इज 203 दिस इज 204 तो अब चले गए ना इस अपर कंट्रोल लाइन के बाहर चला गया सैंपल. देन उसके बाद आप देखो 199 196 199 201 तो ये चारों के चारों सैंपल 199 भी अंदर रहने वाला है 201 भी अंदर रहने वाला है 196 196 कहां चला जाएगा इसके भी नीचे चला जाएगा 196 लोअर कंट्रोल के नीचे. तो यानी कि हर एक वैल्यू जो है सैंपल में वो आपका इन दो लाइन के इन बिटवीन नहीं आ रहा. दैट मींस हमारा एक्स बार चार्ट क्वालिटी कंट्रोल को फेल कर रहा है. ऑलराइट ये हमारा कंक्लूजन आएगा बट वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा. बट मैंने अभी आपको क्या समझाया केवल हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना था एक्स बार चार्ट. तो सिंपली कैलकुलेट सीएल सिंपली कैलकुलेट अपर एंड लोअर कंट्रोल लिमिट और इस टाइप से आप एक रफ चार्ट और अगर आपको फेयरली चार्ट बोला भी जाता है तो यही प्रोसेस है आप चार्ट को रिप्रेजेंट करते हो. राइट यहाँ पे आप 1 2 3 इस तरह से सैंपल नंबर मार्क कर लीजिए. तो 1 को जैसे आपने यहाँ शो किया फिर 2 को शो किया फिर 3 को जैसे हम नॉर्मल ग्राफ में शो करते हैं ऐसे हम शो कर सकते हैं. राइट और कंक्लूजन क्या आएगा कंक्लूजन आएगा क्योंकि यहाँ पे आपके जो पॉइंट्स हैं एक्स बार चार्ट में सैंपल 5 6 आर लाए ओवर द अपर कंट्रोल लिमिट बट सैंपल 8 लाइज बिलो द लोअर कंट्रोल लिमिट हेंस द प्रोसेस इज नॉट इन स्टैटिस्टिकल कंट्रोल. आपका प्रोसेस अंडर कंट्रोल नहीं है. Got it? तो ये तो हो गया एक्स बार चार्ट के लिए. सेम अगर आपको क्वेश्चन में आर बार चार्ट भी बोला था वे हैव क्वेश्चन आर चार्ट भी बोला गया सो यहाँ पे हम आर चार्ट को भी एग्जामिन कर लेंगे. तो आर चार्ट के लिए क्या होता है सेंट्रल लाइन इज कैलकुलेट बाय आर बार ये हमने कैलकुलेट करी 4.6 और उसके बाद अपर कंट्रोल लोअर कंट्रोल चेक कर लीजिए ये होता है हमारा D4 इंटू आर बार और D3 इंटू आर बार और ये दोनों वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है. राइट दिस इज D4 दिस इज D3 तो यानी कि मेरे पास कंट्रोल लिमिट आ गई. अब इस कंट्रोल लिमिट से अगर हम देखें तो यहां पे आप देख सकते हो अपर कंट्रोल लिमिट का है अपर कंट्रोल लिमिट है 9.7 बीच में है आपकी सेंटर लाइन 4.6 पे और ये है आपका 0 दैट इज लोअर कंट्रोल लिमिट. Got it? तो अब अगर आप इस R वाली वैल्यूज को इस ग्राफ में प्लेस करते हैं 5 0 7 3 3 7 2 8 5 6 तो मैक्सिमम वैल्यू यहां पे कितनी है मैक्सिमम आपका 8 है. लोअर वैल्यू कितनी है लोअर 0 है. तो यानी कि हमारा मैक्सिमम जो होगा वो 8 तक जाएगा लोअर 0 तक जाएगा यानी इन दोनों लिमिट्स के बीच में ही रहेगी ना वैल्यू सारी की सारी अगर मैं ड्रॉ भी करता हूं. सो दैट इज द कंक्लूजन कि वी कैन कंक्लूड दैट ऑल पॉइंट्स लाय विद इन द कंट्रोल लिमिट ऑन आर चार्ट हेंस द प्रोसेस इज अंडर कंट्रोल बट एक्स बार चार्ट में प्रोसेस अंडर कंट्रोल नहीं है. सो प्रोसेस सेम है बट उसे कैलकुलेट करने के लिए उसे चेक करने के लिए उसे टेस्ट करने के लिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट. एक चार्ट कहता है कि प्रोसेस कंट्रोल में है बट दूसरा चार्ट कह रहा है प्रोसेस कंट्रोल में नहीं है. क्यों क्योंकि दोनों में ही हम अलग अलग चीजें एक तरह से वेरीफाई कर रहे हैं. एक में हम आर को कंस्ट्रेंट कर रहे हैं आर चार्ट के लिए हम आर रेंज की बात करते हैं और एक्स बार चार्ट के लिए मीन को चेक करते हैं. करेक्ट. सो दिस इज द वे हाउ यू चेक हाउ विल यू अप्लाई दीज कंट्रोल चार्ट्स. एक और एग्जांपल देखते हैं सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी बन जाए. सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2 और इसके केस में मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पे लिखा है डिटरमाइन द कंट्रोल लिमिट्स फॉर एक्स बार एंड आर चार्ट
If summation of x bar is equal to 357.50, summation of r is equal to 9.90, number of subgroups is equal to 20, it is given that what is capital A2, what is capital D3, D4 and small d2, also find the process capability. यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको केवल और केवल कंट्रोल लिमिट्स कैलकुलेट करनी है. अब यहां पे कोई स्पेसिफिकेशन गिवन नहीं है, राइट. सो व्हाट इज अवर सेंट्रल लाइन, अगर मैं एक्स बार की बात करता हूं, सेंट्रल लाइन होती है एक्स डबल बार के इक्वल. तो अब एक्स डबल बार कैसे आएगा, वी नो व्हाट इज समेशन एक्स बार, राइट. और अगर इसी को मैं नंबर ऑफ सब ग्रुप्स यानी 20 से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स डबल बार. यानी वैल्यू को अगर नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, समेशन ऑफ वैल्यूज को नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, व्हाट वी गेट मीन, तो एक्स डबल बार ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा. एंड हियर देयर इज नो स्पेसिफिकेशन लिमिट, नो टॉलरेंस लिमिट, तो हमारी सेंट्रल लाइन किसके इक्वल आएगी, एक्स डबल बार. यानी कि आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं एक्स डबल बार, दैट इज 357.50 डिवाइड बाय 20, सो वी विल गेट एक्स डबल बार. सिमिलरली आर बार कैलकुलेट हो सकता है, समेशन आर हमें क्वेश्चन में गिवन है डिवाइड बाय 20, सो वी गॉट आर बार. अब जैसे ही आपको ये दो वैल्यू मिली, आई कैन कैलकुलेट अपर कंट्रोल लिमिट बाय द फॉर्मुला, आई कैन कैलकुलेट द लोअर कंट्रोल लिमिट बाय द फॉर्मुला, आई कैन कैलकुलेट अपर कंट्रोल लिमिट इन केस ऑफ आर चार्ट, आई कैन कैलकुलेट लोअर कंट्रोल लिमिट इन केस ऑफ आर चार्ट. डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मुला है, वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, राइट. एंड देन प्रोसेस कैपेबिलिटी, दैट इज गिवन बाय 6 सिग्मा, वेयर सिग्मा इज कैलकुलेट बाय आर बार डिवाइड बाय स्मॉल d2. आर बार हमें मिल चुका है, स्मॉल d2 क्वेश्चन में गिवन है, राइट. दिस इज स्मॉल d2 वैल्यू, सो कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी, राइट. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में बन जाता है, जहां पे यहां तो x और r दोनों को ही हमने कैलकुलेट कराया, बट इन दैट केस आपको केवल x के लिए कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करने को आ सकती है या केवल r चार्ट के लिए कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करने के लिए आ सकती है. सो दिस इज अ शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे आपका 2 मार्क्स में बन जाता है, राइट. सो आई होप आपको कंट्रोल चार्ट्स क्या होते हैं, किस तरह से सेंट्रल लाइन, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट कैलकुलेट करनी है इन दीज 2 चार्ट्स, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, राइट. अब इन्हीं चार्ट्स के अलावा, अभी मैंने 2 चार्ट्स की बात करी, इसके बाद भी हमारे पास चार्ट्स हैं, पी है, एनपी चार्ट्स है, सी चार्ट है, तो उन सब में भी हमारे फॉर्मूले ही केवल चेंज होना है, कॉन्सेप्ट यही लगना है कि प्रोसेस अंडर कंट्रोल है या आउट ऑफ कंट्रोल है, राइट. बट इनके फॉर्मुलेस क्या हैं और इन चार्ट में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में. कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू.